हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेवन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करेंगे। तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और उसके बाद हमसे कहा गया है, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी ये है और ट्रायंगल पीक्यूआर ये वाला ट्रायंगल है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसमें हमसे ये भी कहा गया है, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। देखिए, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ऑलरेडी इक्वल दिखाए गए हैं। एंगल बी देखिए, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल है और एंगल क्यू देखिए 90 डिग्री का सिंबल है, यानी एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। एंगल सी और एंगल आर को देखिए, दोनों में सेम सिंबल गिवन है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं। इनके अलावा, इन दोनों एंगल्स के अलावा हमें एक एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर चेक करना है, यानी के इन दोनों ट्रायंगल्स में इन एंगल्स के अलावा कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं। तो सबसे पहले हमने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और इसके आगे हमने गिवन लिखा है क्योंकि हमें ऑलरेडी ये गिवन है। देखिए, एंगल बी 90 डिग्री का है और एंगल क्यू भी 90 डिग्री का है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमने गिवन भी लिखा है। ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स। देखिए, एंगल सी सेम सिंबल जो एंगल सी में है, वही सेम सिंबल यहाँ एंगल आर में है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ हमने लिखा गिवन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल सी और एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में इक्वल है। तो जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो और उनमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, तो देखिए हमारे पास कौन से क्राइटेरिया होते हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। एक तो होता है साइड साइड साइड, जिसमें एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती है, वो तो यहाँ यूज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो दो एंगल्स आपस में इक्वल गिवन है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, वो भी यहाँ यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एंगल की बात होती है, यहाँ तो दो एंगल्स की बात हो रही है। तो इसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल, यही क्राइटेरिया अब यहां पर यूज होगा। देखिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। अब हमें यहां पर एक ऐसी साइड चाहिए जो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड हो, यानी कि इंक्लूडेड साइड हो। तो एंगल बी और एंगल सी के बीच में कौन सी इंक्लूडेड साइड है, बीसी साइड। ऐसे ही एंगल क्यू और एंगल आर के बीच में कौन सी इंक्लूडेड साइड है, क्यू आर साइड। तो यहां पर हमने लिखा है बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, यानी इस क्वेश्चन में जो हमसे वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूछा गया था वो यही है कि इन दो एंगल्स के अलावा, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल है ही, एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल हैं, इनके अलावा जो एक और चीज आपस में इक्वल होनी चाहिए वो है बीसी साइड और क्यू आर साइड। जब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया लगेगा। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा है बाय ए एस ए, यानी कि बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।